उसके पीछे पूरी किताब लिख देंगे। बताएं क्या था उसके पीछे, उसके किताब पीछे? ना बताएं, थोड़ा सा समरी बताओ, खुलासा होती है दैट सीन, बिकॉज़ वो पहला सीन वायरल हुआ था थप्पड़ वाला जो इनको पड़ा। अब उसके पीछे आप स्टार्ट करें फ्रॉम द वे शी टचेस मी इन फ्रंट ऑफ माय वाइफ, शी इज बिजी ऑन द फोन, शी टचेस मी एंड आई गेट शॉक, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, हमारा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, बट मैंने उससे पहले इनके साथ गाड़ी में इनको बता दिया, सो आई वाज नॉट रेडी, बट शी टचेस मी, डन, ट्रिगर पॉइंट, शी गोस, वो होता है नाउ, वो अरम, वी आर टॉकिंग अबाउट अरम, ऑफ कोर्स, तो अरम, हम कैरेक्टर्स के बारे में, अब अरम और वो अकेले हैं, उन्होंने रात को एक दूसरे से बांध लिया कि दे लाइक ईच अदर, the touch barrier is gone now, and now they're alone. Yes, yeah. See, and yes. See that creates. Yeah. फिर I go close to her, और अभी से बातचीत हो रही है, but they were too close. And see, तो हम वो सारा कुछ लेके चल रहे होते हैं. क्यों अचानक थोड़ी वजह से मुझे touch किया रहा है बस लाइक मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास. वो भी सकता है. नहीं 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 नहीं. So seriously. ले ये अच्छा. वो भी सकता है लेकिन. But I like it कि slow because he's scared, so the progression because he's already married and all that, उसकी जिंदगी में और चीजें, तो उसको इस point पे लाने का एक process था, लेकिन the way you two are standing, मैं ये बात भी highlight करना चाहती थी कि जिस तरीके से मीसम ने आप दोनों को position किया हुआ है, the body movement and the body, you know, connect, वो जो placement है, it's very very important that you know what is gonna the message that, but लेकिन होता नहीं है, जमहूरी पाकिस्तान, exactly, और message मिल गया आपको क्या है? See, I love मीसम for this के ये जो ये है ना, अभी आपने point out किया that space, he tells story through these gestures, emotions, जैसे feel करवाते हैं कि this is going to happen, feel it inside you ke ye hoga, if you won't feel it to wo nahi hoga, you won't be able to agar aap dekho ki isi ke baad jab scene aayenge mere aur sanaya ke wo hum, we are across the table, symbolically I was close to her, the very next scene when I go to her place to hamare beech mein table hai, to ye bahut matter karte hai, see aap to kisi aur aankh se dekhte ho, so you know, जनरल पब्लिक की सबकॉन्शियस के साथ खेला जा रहा होता है, एंड वो मैसेज जो मिल गया ना, वो प्रोवोकेटिव था स्लाइट, बट इन अ डीसेंट, दैट्स इनफ, यस, यू सो यू नो, और आपने थोड़ा सा वो भी छोड़ दिया, ओह अच्छा, राइट गोस्ट टू इट, तो क्या रीजन था इस स्क्रिप्ट को करने का, व्हाट वाज इन इट, बिकॉज़ आप दोनों जो है ना, बिकॉज़ आप दोनों के कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिस पे इस वक्त पब्लिक, हां लोग क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा फील भी करें, बट यस, मुझे मेरे पास जब स्क्रिप्ट आया था, मेरे पास जब कैरेक्टर आया था, मुझे तो ये कहा गया था आंख बंद करो और कर लो बिकॉज इट्स मी सिम्बा, किसने कहा था, नॉट माय, तो वो था रजा, ओके, मुसीना, या रजा, रजा, तो उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कैरेक्टर एंड उन्होंने डायरेक्टर का बताया एंड उन्होंने काफी तारीफ की, तो मैंने कहा ठीक है, वरना ये बिजी थी आल्सो, मुझे लेकिन जब मेरी मीसन सर से बात हुई थी, उन्होंने जब मुझे ब्रीफली सारा की बताया कि स्टोरी बताई, कैरेक्टर एक्सप्लेन किया, नेचर बताई, तो फिर मुझे अच्छा लगा, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया था, थोड़ा मसला इसलिए कि ऑडियंस का रिएक्शन बैशिंग में आ सकता है, लेकिन आपके कैरेक्टर में परफॉर्मेंस का मार्जिन बहुत है और बड़ा, एंड यू बोथ हैव डन एन अमेजिंग जॉब, आई हैव टू थैंक यू, वो जो जब आप चीखती हैं इनके ऊपर कि तुमने एक वो करके तुमने मेरा वो किया, वो बड़ी अच्छी थी, एंड व्हेन यू क्राई ना इन योर मदर, व्हेन अरहम्स मदर डाइड, और वो जो सुख सनाया को रोकता है ना, yeah, your performance was really good. Yeah. Really good. I was feeling it. I was like, गुस्सा भी आ रहा था कि अच्छा उसको छोड़ के अब तुम बोल रहे हो तुम्हें comfort चाहिए. Because comfort zone तो वो है. अरे मैंने ना यहाँ मुझे pain हुआ है. ये वो scene की बात कर रही हूँ जो सही दिखता. क्या हुआ? क्योंकि वो जो scene है ना जब मैं उसको रोकता हूँ. The way Meesam shot it, the way I performed, they all were sitting here. And we did around 5 takes. Okay. और पांचों so के पांच नहीं नहीं, नहीं पांचों okay. के पांचों takes में we were somewhere else. The room was somewhere. वो scene ऐसा था कि he was crying वहाँ पे और हम सब यहाँ पे सच में रो रहे थे. तो मैंने इस तरह इतने दिल से किया था. हाँ. तो अब वो हुआ लेकिन वो चीजें क्योंकि we are on मतलब एक टांग पर है ये चल रहा है साथ 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 तो साथ तो वो वाली चीजें जो थी ना जो हमने की थी एक्स्ट्रा मीसम ने की थी वो थोड़ी सी जरा स्लाइड इन हो गई लेकिन स्टिल पीपल लव्ड द सीन और काश वो वाला होता जो असल में वाले पांच छह चीजें और वो सीन बहुत खूबसूरत हुआ था. हाँ बहुत खूबसूरत हुआ था लेकिन क्यों नहीं वो थोड़ा एडिटिंग में थोड़ा हो जाता है नॉर्मल है आप जो टीवी पे देखते हो दैट्स ऑलवेज 50% ऑफ व्हाट वी डू क्योंकि कैमरे की एक लिमिट है वो सी में दिखा सकता है
अब मेरी बारी, मैंने क्यों किया ये? बिल्कुल बिल्कुल. आई वॉज डूइंग तकबर, जो कि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी दैट ब्रैट ब्रैश गाय, और वो मुझे मिल गया तो आई वॉज डूइंग इट. और उसके साथ ही मुझे जब वो ड्रामा आया, उसकी रेटिंग आ रही थी, इश्मोशुद के साथ ही चल रहा था, तो मुझे सब ने कहा यार ठीक हो गया अब तो तू यही सूट पहन के ग्लासेस लगा के हर पल यूँ देखूंगा मैं लड़की को. तो मुझे उसी मोमेंट पे आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने सबको कहना शुरू कर दिया था नाउ आई वॉन्ट टू प्ले अ डैड, आई वॉन्ट टू प्ले अ मैरिड गाय, आई नेवर डिड इट. तो मुझे था कि मुझे ये कभी नहीं करना, क्योंकि होता है अभी अगला ड्रामा भी मुझे मिल रहा है वही, हाँ जी सूट पहन के लड़की तुम मेरी हो और मैं किसी को आने नहीं दूंगा, ये वाला सीन. तो लकीली यू नो द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, दिस थिंग कम्स अप द फर्स्ट थिंग दे आस्क मी, बिकॉज ये कोई लड़के ज़्यादातर नहीं एक्सेप्ट करते कि बाप प्ले करना है और दो बच्चे हैं और फिर ये आपको पता है बैकलैश आना. आई एम नॉट दैट हीरो हीरो इसमें कि मैं आई विल नेवर जस्टिफाई माई सेल्फ, कर भी नहीं सकते आप. तो मैंने कहा नाउ दिस इज व्हाट आई वांटेड, तो आई वाज ऑन और दिस इज माय सेकंड विद मीसम, सो आई ऑलरेडी नो द गाय कि मैं तो जा रहा हूँ क्लास में सीखने. नहीं मजा भी ना, मजा भी, आई लव द गाय, आई लव द गाय, गुड टू वर्क. सो फॉर मी इट्स वेरी इन अ वे मेरे लिए बहुत अच्छा है कि जो भी मुझे मिल रहा है फेलो एक्टर्स, वो यही कह रहे हैं यार वहाँ तो वो कर रहा है, यहाँ बाप है, एंड एक चुभन सी में आई एम प्लेइंग द लोअर लोअर मिडिल क्लास पेट्रोल भी नहीं. सो तो अच्छा है ना, वैरायटी है ना, तो एक्टर का काम ही है. तो अब मैं आई वाज टॉकिंग टू समबडी एल्स, तो मैं उनके साथ ना खुद ही डेवलप कर रहा हूँ क्या मैं हेड शेव करके ना और मैं यूं करके चेन फेंक के बॉडी ये कोई स्क्रिप्ट नहीं कोई कुछ नहीं, खुद ही मैनिफेस्ट कर, खुद ही मैनिफेस्ट कर रहा है. बट यू नेवर नो, हाँ इसी तरह बनते हैं. सी आइडिया दिया आपको, प्लीज कास्ट मी. अच्छा ये बताएं, मुझे बड़ा चेंज लग रहा है आपने, वेट लूज किया हुआ है आपने, आई एम लाइकिंग द लुक दैट यू हैव, द लुक इज, सी अगेन आई एम प्लेइंग विद ऑडियंस कि मैं बाप नहीं हूँ बार बार, अब एक बार में बोला सी. तो मैं ओवरऑल आई व्हाट आई वांट टू आस्क दैट यू फील दैट ये एक डिफरेंट फहद है, हाँ हैप्पी फहद है, हैप्पी फहद है, एंड आल्सो द प्रेशर या ये लाजमी है कि शुरू जहाँ से भी करो कहीं ना कहीं अपने पर आपको देखना पड़ता है, करना पड़ता है, और इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है. आप विद एवरी स्क्रिप्ट विद एवरी ड्रामा यू लर्न, ठीक है, और मुझे शायद अब जाके एहसास हुआ है कि अच्छा पाँच छः एक्टिंग तो यही चल रही थी, ये जेनिस भी यही कर रही होगी, मैं भी यही कर रहा हूँ, चेंज क्या हुआ, चेंज अचानक ही हुआ कि अच्छा आई लुक ट्रिम नाउ, आई लुक शार्प नाउ. ओके, कैन आई बी ऑनेस्ट, कैन आई बी ऑनेस्ट, या या प्लीज प्लीज, नो आई डू सी an evolution, I do see an evolution, I do see a growth in your performance. Maybe I don't think that you can say ki main wahi acting karu over the years, which is good. Line ka start kya tha ki you learn a lot, yes, but life mein I went through something personal, somebody close to me, my grandmother died. Oh, so after that I'm a different person. Main ye people tell Janice ki ye set pe kaisa hota tha pehle, paise to main aise hi hota tha, har waqt down. मुझे कोई नहीं बताता. Now I'm normal. She is busy all the time. तो now I'm normal. चीजें बहुत सिंपल हो गई हैं. तो शायद वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है when you act. और